यूपी में राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज 5 जून को अयोध्या में अपना कार्यक्रम कर ही लिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह यहां पर भी राज ठाकरे को निशाने पर लेने से नहीं चूके। ब्रजभूषण ने मंच से कहा कि राज ठाकरे इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है कि अगर उसने अपने अहंकार को जीत लिया होता तो अयोध्या आ जाता। जब तक उनका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वह उत्तर भारत में घुस नहीं सकेंगे। आज राज ठाकरे इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, अगर उसने अपने अहंकार को जीत लिया होता अपने अहंकार को नहीं जीत सका और अयोध्या नहीं आ सका। हमने क्या मांगा था दो वचन, जनता से माफी मांगो, शरम आती हो तो संतों से माफी मांगो, संतों से माफी मांगने में शरम आती है तो मोदी जी से मांग लो, योगी जी का नाम आया हमने कहा योगी जी से मांग लो वो भी संत है, भगवान के शरण में जाने के लिए कोई भी भगवान के दरबार में जब आता है तो उसको झुकना पड़ता है, वो झुका नहीं। आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या आने का ऐलान किया था, जिसके बाद कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर उनके विरोध में आ गए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना था कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे उनको अयोध्या में नहीं आने दिया जाएगा। जिसके बाद तमाम सियासी हलचलों के बीच राज ठाकरे ने स्वास्थ्य की बात कहते हुए अपना ये दौरा स्थगित कर दिया था। वहीं भाजपा के कई नेताओं के द्वारा राज ठाकरे के अयोध्या आने के फैसले का जहां स्वागत किया गया था, जिसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह के निशाने पर भी कई भाजपा नेता आ गए थे। 5 जून को हुए इस कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने अपने भाजपा के ही ऐसे नेताओं को निशाने पर लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सांसद हो या विधायक हो या फिर मेयर, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति के प्रति। आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति की कृपा से विधायक बनता हूँ, किसी की कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और अयोध्यावासी बहुत परेशान हैं। वो दिक्कत क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्यावासी जैसे अयोध्यावासी होने की सजा पा रहे हैं। तो मैं पहले साधु संत महात्माओं के साथ बैठूंगा, उनकी राय लूंगा, फिर फैजाबाद में भी व्यापारियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सारे समाज के साथ बैठूंगा। मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उस समस्या को मैं जानूंगा और उसके बाद उस समस्या को मैं योगी जी से और मोदी जी से जा कर के रखूँगा कि अयोध्या वासियों का कुछ दर्द भी है। क्योंकि अयोध्या में सांसद हो या विधायक हो या मेयर हो, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के कृपा से विधायक बनता हूँ, किसी के कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। तो इसलिए जनता, अभी आप पूरा तमाशा खोलना चाहते हैं, अभी जाइए, इतना काफ़ी है। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह ने अपने इस कार्यक्रम से अयोध्या के जनप्रतिनिधियों को तो झटका दे ही दिया है। अब देखना होगा कि राजनीति की चाय में और कितना उबाल अभी आना बाकी है। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।